हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम डी मोरेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और हम जानेंगे कि इसका एप्लीकेबल कब होता है, इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कब एप्लीकेबल होगा? जब कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा टू दी पावर अगर एन है, तो ये हो जाएगा कोस एन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, एन थीटा प्लस में आई साइन एन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं ये किस टाइम हम इसको एप्लीकेबल होगा। जब एंगल क्या हो हमारा, दोनों थीटा थीटा सेम हो, मतलब एक रियल नंबर हो एक इमेजिनरी नंबर हो, दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, तब हम इसको क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी तरीके इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, कोस 5 थीटा प्लस में आई साइन 5 थीटा टू द पावर 3/2। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल में कोस 5 थीटा प्लस में आई साइन 5 थीटा टू द पावर 3/2 है। तो इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेके जाते हैं, यहाँ पे 5 है, मतलब ये समझिए कि यहाँ पे एन है। अब एन क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा 15/2। अब इस फॉर्म में आ गया, अब इसको सिंपली हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोस 15/2 थीटा प्लस में आई साइन 15/2 थीटा। तो देखिए बहुत इजी है, ये हो चुका है सॉल्व। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उसके जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है बहुत बार। ये हमारे पास है कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यूजिंग डी मोरेस थ्योरम सॉल्व √3 प्लस में आई टू दी पावर 5। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पोलर फॉर्म आपने पढ़ा होगा, तो पोलर फॉर्म हम इसमें चेंज कर देते हैं। चलिए मैं पोलर फॉर्म में इसको चेंज कर लेता हूँ फटाफट। तो इसको हम पहले, हमारा होता क्या है पोलर फॉर्म में, आर कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ये होता है हमारा पोलर फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट, इसको मानते हैं कि आर कोस थीटा जो है, ये कितना हमारे पास, पहला कोस थीटा, ये हमारे पास √3 है, और आर साइन थीटा जो है हमारे पास 1 है। अब आर फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में √3 टू दी पावर स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, और ये 3 प्लस में 1, तो आर कितना हो गया, ये 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, आर 2 निकल गया। अब इसके जरिए हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा कैसे फाइंड आउट करें, पहले सबसे पहले हम इसको, ये आर कोस थीटा हमारा √3 था, तो कोस थीटा हम निकालेंगे √3/2, कितना निकला हमारा 2। उसी तरीके से हम साइन भी सिमिलरली निकालेंगे, 1/2 हो जाएगा। ये कोस थीटा और साइन थीटा हमने निकाल लिया। उसके बाद फॉर्मूला टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो ये कितना होता है, इसको हम इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 × 2/√3, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल में 1/3। अब आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, ये कब, ये क्वाड्रेंट क्या क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जो आ रहा है, तो ये हमारा अल्फा जो है ये प्लस होगा, ये पाई माइनस अल्फा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, अल्फा माइनस में थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और माइनस का अल्फा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, तो जो थीटा है, थीटा क्या है हमारा पॉजिटिव आया है ना, तो थीटा पॉजिटिव इसमें से कौन सा है, ये है, तो ये अल्फा की इक्वल आ गया,
तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास, 1/3। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब हम इसको पोलर फॉर्म की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारा आर टू था कोस पाई बाई, अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, ये रूट 1/√3 टेन 60 की वैल्यू होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा हम लिख सकते हैं, या फिर हम कहें थीटा, ये लिख लेंगे हम पाई बाई सिक्स। थीटा कितना आ गया हमारे पास, पाई बाई सिक्स, तो ये पाई बाई सिक्स प्लस में आई साइन पाई बाई सिक्स, ठीक है। अच्छा अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये निकल चुका हमारा पोलर फॉर्म में, अब इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, डी मोरेस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, अप्लाई डी मोरेस थ्योरम जेड। ये क्या कहता है हमारे पास, जब कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा टू दी पावर एन हो, तो ये इक्वल होता है कोस एन थीटा प्लस में आई साइन एन थीटा, इसके इक्वल होता है। अब ये देखिए, ये सिंपल फॉर्म है। अब पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास कि रूट थ्री प्लस में आई की पावर कितना है, फाइव, फाइव है, तो यहाँ पे टू भी टू इंटू में कोस पाई बाई सिक्स प्लस में आई साइन पाई बाई सिक्स का होल पावर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। फाइव होने के बाद ये सिंपल हम इस फॉर्म में अब चेंज कर देंगे, ये इसमें आ गया है टू का पावर फाइव इंटू कोस फाइव पाई बाई सिक्स प्लस में आई साइन फाइव पाई बाई सिक्स। तो ये सिंपल चेंज हो चुका है, इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं इसको, या फिर मैं आगे फर्दर रिसॉल्व कर देता हूँ, कोस फाइव पाई बाई सिक्स प्लस में आई साइन फाइव पाई बाई सिक्स। ये हमारा डी मोरेस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया इस पे और ये सॉल्व हो चुका है। तो आपने देखा, सबसे पहले अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम इसको सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, पोलर फॉर्म चेंज करने के बाद फिर सिंपल हमें डी मोरेस थ्योरम अप्लाई कर देना है, ओके। अगर जो इसके रिगार्डिंग आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।